नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल महा इंद्रजाल में। दोस्तों, आज की वीडियो का विषय है धनतेरस पर ना खरीदें ये सामान, घर परिवार हो सकता है बर्बाद। देखिए दोस्तों, जो धनतेरस का पावन पर्व है, यह दीपावली से ठीक दो दिन पहले मनाया जाता है और ये पर्व माता लक्ष्मी का विशेष दिन माना जाता है, क्योंकि इस दिन माता लक्ष्मी अपने भक्तों के ऊपर कृपा करती है। माना जाता है कि माता लक्ष्मी इस दिन पृथ्वी पर भ्रमण करती है और अपने भक्तों के ऊपर कृपा करती है। दोस्तों, सभी लोग इस दिन अनेक प्रकार की वस्तुएं खरीदते हैं, तो दोस्तों कौन सी वस्तुएं आपको नहीं खरीदनी चाहिए, किन वस्तुओं को खरीदने का आपको ध्यान रखना चाहिए, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। और दोस्तों, वीडियो के अंत में आपको हम एक ऐसा टोटका बताएंगे, एक ऐसा प्रयोग बताएंगे जो अचानक धन प्राप्ति के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो दोस्तों, वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि दीपावली पर, माफ कीजिए, धनतेरस पर आपको क्या चीजें नहीं खरीदनी चाहिए। देखिए दोस्तों, अगर हम बर्तनों की बात करें तो बर्तनों में हम अक्सर धनतेरस वाले दिन जब मार्केट जाते हैं तो सबसे पहले बर्तन ही खरीदते हैं, क्योंकि माना जाता है, मान्यता है हमारे धर्म में कि इस दिन बर्तन अवश्य खरीदने हैं। ये एक हमारे माइंड में एक चीज बैठी हुई है कि इस दिन बर्तन तो अवश्य खरीदने हैं। ठीक है, ये बात आपकी सही है, बर्तन खरीदने हैं, लेकिन कौन से बर्तन खरीदने हैं और कौन से नहीं खरीदने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हम अक्सर क्या करते हैं, मार्केट में जाते हैं, स्टील के या एल्यूमिनियम के कोई से बर्तन खरीद लाते हैं। तो दोस्तों, ध्यान रखना है, इस दिन आपको जो एल्यूमिनियम धातु है इसके बर्तन आपको नहीं खरीदने हैं। एल्युमिनियम के बर्तन तो आपको बिल्कुल भी नहीं खरीदने हैं, क्योंकि एल्युमिनियम जो धातु है इसके अंदर राहु ग्रह का वास माना जाता है। जो राहु और केतु हैं, उनमें से जो राहु है, राहु का वास एल्युमिनियम में माना जाता है। माना जाता है कि जो राहु है उसने एल्युमिनियम को अपने कब्जे में ले रखा है। तब आप सोचिए कि यदि आप धनतेरस वाले दिन इस धातु को अपने घर में लाएंगे तो आपके घर परिवार में कितना ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा इस धातु का, तो आपको बिल्कुल भी नहीं लाना है। अब आप प्रश्न पूछ सकते हैं कि अगर एल्युमिनियम के बर्तन हम ना लाएं तो कौन सी धातु के बर्तन लाएं? तो आप पीतल के बर्तन ला सकते हैं, पीतल सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि जो भगवान धन्वंतरी हैं उनका वास माना जाता है पीतल में, उनका वास पीतल में माना जाता है। तो पीतल आप इस दिन जरूर लेकर आए, पीतल के बर्तन। पीतल के बर्तन बहुत ज्यादा महंगे भी नहीं है, कॉस्टली भी नहीं है, आप आराम से ला सकते हैं। अगर बर्तन नहीं लाना चाहते आप, तो पीतल का जो पूजा का जो सामग्री होता है, जोत होती है जिसमें जोत जलाते हैं, या घंटी आप जरूर लेकर आए, घंटी आप ला सकते हैं, आप जोत जलाने का दीपक ला सकते हैं, और आप तांबे का लोटा ला सकते हैं, क्योंकि तांबा भी एक अच्छा धातु मानी जाती है। तो पीतल ले आए, पीतल का बर्तन ले आए, तांबा ले आए, लेकिन आपको इस दिन जो एल्युमिनियम है वो नहीं लाना है। दोस्तों देखिए, एक बात ध्यान रखिए, धनतेरस के दिन आप जितनी महंगी धातु लेकर आएंगे उतनी ही कृपया लक्ष्मी माता की आपके ऊपर बरसेगी। अब ऐसा नहीं है कि आप महंगी धातु के अंदर क्या आते हैं, स्वर्ण आता है, गोल्ड आता है, तो आप स्वर्ण के नेकलेस इस दिन ला सकते हैं, स्वर्ण की जो कानों की जो बूंदियां होती हैं, बालियां होती हैं, वो आप ला सकते हैं, कोई भी स्वर्ण के आभूषण है बहुत सारे आप वो लेकर आ सकते हैं। तो इस दिन स्वर्ण खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है, तो स्वर्ण खरीद सकते हैं, चांदी खरीद सकते हैं, चांदी का कोई भी आभूषण खरीद सकते हैं। लेकिन अब एक प्रश्न यहाँ पर कुछ लोग ये उठाते हैं कि जो लोग महंगी धातु नहीं खरीद सकते, सोना नहीं खरीद सकते, चांदी नहीं खरीद सकते, तो वो क्या खरीदें? तो उनके लिए सिंपल सा प्रश्न यही है कि आप पीतल खरीदिए। पीतल जो है ज्यादा महंगी भी नहीं है, सस्ती धातु है, आप पीतल की जो पूजा की सामग्री होती है वो खरीद सकते हैं। अगर आप इससे भी नीचे जाना चाहें, आप पीतल भी नहीं खरीद सकते, तो आप स्टील के बर्तन खरीद सकते हैं, स्टील के बर्तन खरीदिए। लेकिन ध्यान रखिए, जितना आप नीचे जाएंगे, सोना पहले नंबर पर सोना आता है, दूसरे नंबर पर चांदी आती है, तीसरे नंबर पर पीतल आता है, और चौथे नंबर पर स्टील आती है। स्टील के बाद फिर पांचवें नंबर पर प्लास्टिक या डिस्पोजल आते हैं। लेकिन जितना नीचे जाएंगे उतनी ही आपकी जो इस दिन देवी माँ की जो शक्ति होती है, देवी माँ की जो कृपा होती है, उतनी ही कम हो जाएगी। तो सबसे पहले स्वर्ण खरीदिए, फिर चांदी खरीदिए। सामर्थ्यवान नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है, आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है, तो आप पीतल खरीदिए। लेकिन इस दिन भूल कर भी आपको एल्युमिनियम नहीं खरीदना है, इसमें राहु का वास होता है, ये आपको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। तो ये बात आप ध्यान रखिए।
इसके बाद अगली बात आपको जो ध्यान रखनी है वो यही है कि आपको इस दिन शीशा नहीं खरीदना है। आप बाजार गए, आपने बाजार में से धातु के बर्तन खरीद लिए, आपने गोल्ड की या सिल्वर की ज्वेलरी खरीद ली और आपने देखा वहीं पर एक दुकान है शीशों की, तो आपने शीशा भी खरीद लिया। तो ऐसी गलती ना करें, इस दिन आपको शीशा नहीं खरीदना है। इस दिन यदि आप शीशा खरीदते हैं तो लक्ष्मी माता आपसे नाराज हो जाएंगे। इस दिन धनतेरस के दिन आपको शीशा नहीं खरीदना है। इसके बाद महिलाओं का जो किचन का सामान है, जिनमें कि कढ़ाई और तवा आता है, कढ़ाई तो चलिए स्टील की भी होती है या एल्यूमिनियम की भी होती है, लेकिन जो तवा होता है वो अक्सर लोहे का होता है। तो जो लोहे का सामान है, चाहे वो कढ़ाई हो लोहे की, चाहे वो लोहे का तवा हो या लोहे का कुछ भी सामान हो, वो आपको इस दिन नहीं खरीदना है। लोहे का सामान आपको बिल्कुल भी नहीं खरीदना है। जो धातुएं आपको बताई गई हैं वही आपको खरीदनी है। इस दिन जो धारदार चीजें होती हैं, जैसे चाकू है, छुरी है या कोई भी अन्य वस्तु जिसमें धार होती है, या जो नुकीली चीजें होती हैं, आपको इस दिन नहीं खरीदनी है, क्योंकि ये दिन माता लक्ष्मी का दिन है। इसलिए इस दिन इस तरह की नुकीली वस्तुएं नहीं खरीदी जाती हैं। बिल्कुल भी ध्यान रखें, कोई भी चाकू छुरी इस दिन आप ना लेकर आए। दोस्तों, आप एक बात का ध्यान रखें, जो धनतेरस का दिन होता है ये माता लक्ष्मी का दिन होता है। इस दिन माता लक्ष्मी पूरे संसार में अपने भक्तों के ऊपर कृपा करती है, और लक्ष्मी के धनतेरस के बाद दीपावली का पर्व आता है। दीपावली को भी माता लक्ष्मी का ही पर्व माना जाता है, माता लक्ष्मी का दिन माना जाता है। तो दोस्तों, इन दिनों यानी धनतेरस वाले दिन से लेकर और भैया दूज तक, जो कि दीपावली के 2 दिन बाद तक आता है, इन दिनों आप कुछ विशेष बातों का ध्यान रखें। वैसे तो आप इन बातों का ध्यान पूरे वर्ष भी रख सकते हैं, लेकिन दीपावली के दिनों में आपको इन बातों का ध्यान रखना है। क्या क्या बातें हैं दोस्तों? रात के समय जब आप खाना खा लें, तो खाना खाने के बाद जो बर्तन है उनको आपको झूठा नहीं छोड़ना है किचन में। हर हाल में उनको आपको धोकर ही सोना है। आपका किचन बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए दीपावली के दिनों में। इस बात का विशेष ध्यान रखें, धनतेरस वाले दिन से लेकर भैया दूज के दिन तक। हो सके तो धनतेरस के कुछ दिनों पहले से, यानी आप अभी आप आज से शुरू कर दें, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो, अपने किचन को बिल्कुल साफ रखें, बर्तनों को बिल्कुल भी किचन में ना छोड़ें, इससे माता लक्ष्मी नाराज होती है। दूसरी बात हमारी माताओं और बहनों के लिए है। हमारी माताएं बहनें अक्सर क्या करती हैं कि शाम के समय या रात के समय सिर धो लेती हैं। हालांकि चलिए आजकल तो सर्दियों का मौसम है, गर्मियों में अक्सर हमारी माताएं बहनें सिर धो लेती हैं रात के समय और रात को खुले बाल करके सोती हैं। तो दोस्तों, ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। खासकर दीपावली के दिनों में बालों को खोला करकट नहीं सोना है। शाम के समय आपको बाल नहीं खोलने हैं, और रात के समय जब आप सोएंगे तो बालों को खुला करके नहीं सोना है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। और एक आपको प्रयोग बता रहे हैं छोटा सा, जो सेंधा नमक होता है, सेंधा नमक आप बाजार से ले आए और सेंधा नमक को आप एक कागज में आप थोड़ा सा रख दें, बहुत थोड़ा सा रखना है आपको, 10 ग्राम 20 ग्राम आपको रखना है। और जो आपका ड्राइंग रूम है, जहां पर अक्सर लोग आते हैं बाहर से आकर बैठते हैं, जैसे बाहर की बैठक होती है जिसे बैठक बोल देते हैं या ड्राइंग रूम बोल देते हैं, वहां पर आपको रात के समय फर्श के ऊपर आपको ये जो नमक था इसको आपको रख देना है। पर नमक को रखने के बाद आपको सो जाना है। सुबह जब आप उठते हैं तो उठते ही आप इस नमक को, आपको बिल्कुल भी किसी से बात भी नहीं करनी है, यहां तक कि आपको कुल्ला मंजन कुछ नहीं करना है, उठते ही सबसे पहले जो आपने ये नमक रखा था कागज में, इसको आप उठाएं और अपने गेट खोलकर जो बाहर नाली है आप उसमें गिर दें। बस आपको इतना करना है। इससे क्या होगा, आपके घर की जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज हैं वो चली जाएंगी, और जो लक्ष्मी माता है निश्चित रूप से लक्ष्मी माता आपके घर में स्थायी रूप से वास करेंगे। दोस्तों, बहुत ही सरल सा वास्तु का उपाय है, ये आप जरूर करें। दोस्तों, बहुत सारे उपाय हैं वैसे तो, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, इसलिए हम थोड़े प्रयोग थोड़े उपाय ही बताते हैं। तो इस वीडियो में अंत में आपको एक उपाय बता रहे हैं अचानक धन प्राप्ति का। दोस्तों, ये उपाय अचानक धन प्राप्ति के लिए किया जाता है, तो इसको आप जरूर कर सकते हैं। बहुत ही सरल उपाय है, क्योंकि हमारा प्रयास यही रहता है कि हम आपको वो उपाय बताएं जो आप सरलता से कर सकें। दोस्तों, धनतेरस वाले दिन हमने पिछली वीडियोज में आपको बताया था, आपको धनिया लेकर आना है, नमक लेकर आना है और झाड़ू लेकर आनी है। अन्य चीजें तो लानी है, साथ में हमने आपको धनिया, नमक और झाड़ू ये जरूर बताई थी कि ये चीजें आपको जरूर लानी है।
तो दोस्तों इस दिन जब आप झाड़ू लेकर आए हैं तो जो नई झाड़ू थी उसको तो आप रख दें, जो अभी आपका झाड़ू रखने का स्थान है वहां पर आपको रात को दिया जलाना है उस स्थान पर। जो पुरानी झाड़ू थी आपकी उसे आप अपने घर में दक्षिण और पश्चिम दिशा में आप कहीं पर भी छुपा दें, चाहे तो अपने घर में जो दक्षिण दिशा है उस तरफ कहीं छुपा दें, या दक्षिण में कोई ऐसी जगह नहीं है छुपाने की तो पश्चिम दिशा में कहीं छुपा दें। जो पहले की झाड़ू है, पुरानी झाड़ू है, उसे आप छुपा दें, बस आपको इतना प्रयोग करना है। और उस झाड़ू को आपको दीपावली वाले दिन निकालना है, दीपावली वाले दिन वापिस आप उस झाड़ू को निकाल लें और अपने घर में आप उसे रख लें। यह प्रयोग आपको करना है दोस्तों। ये एक ऐसा प्रयोग है जो अचानक धन प्राप्ति के लिए अक्सर किया जाता है। दोबारा सुन लें, जो नई झाड़ू है उसे आपको रख लेना है झाड़ू के स्थान पर, और जो पुरानी झाड़ू है उसको दक्षिण दिशा या पश्चिम दिशा में कहीं पर भी आपको छुपा देना है। सिर्फ ये एक साधारण सा टोटका, साधारण सा प्रयोग है, इससे दोस्तों अचानक धन प्राप्ति के योग बनते हैं। दोस्तों कुछ छोटी छोटी बातें हैं, शाम के समय कभी भी किसी को दूध और दही आप मत दें। अगर आप कोई पड़ोसी आपका आ जाए और आपसे दूध या दही मांगता है, जैसे अक्सर आस पड़ोस में लोग दे देते हैं दूसरे को, तो कभी भी नहीं देना चाहिए। इससे माना जाता है कि हमारे घर की लक्ष्मी दूसरे घर में चली जाती है। तो दोस्तों और भी कई सारे उपाय और टोटके हैं, वो अगली आने वाली वीडियोज में आपको बताए जाएंगे। आज की वीडियो में इतना ही। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो और जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए आप हमारा चैनल महेंद्र जाल सब्सक्राइब कर सकते हैं। और दोस्तों आप हमारी वीडियोस को अधिक से अधिक लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ आप अधिक से अधिक शेयर करें। जय माता दी।